दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपकी हमेशा मदद करें, अल्लाह पाक हमेशा आपको सलामत रखे। आज जो मैं आपके साथ वजीफा पेश करने जा रही हूँ, बहुत ही नायाब और बहुत ही बुलंद वाला वजीफा है। आज जो मैं आपको वजीफा बताऊंगी, इस वजीफे का बहुत ही मुझे जो है कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट आई और मुझे कहा गया कि आप ये वाला वजीफा हमें बताएं सूरह कुरैश का। तो आज मैं आपको वजीफा बताऊंगी, आपने क्या करना है, सूरह कुरैश जो है यानी कि ली इलाफी कुरैश, ठीक है, आपने यहां से लेकर तो 41 मरतबा तीसरे पारे में ये सूरत है, आपने पढ़कर किसी खुशबू यानी अत्तर के ऊपर या किसी खुशबू के ऊपर आपने दम कर लेना है 41 मरतबा। बस ये आपके लिए एक जादुई जो वजीफा है ये आपके लिए तैयार हो जाएगा, बहुत नायाब है। आपने इसके ऊपर दम कर लेना है, दम करके आपने जो तालिब है यानी जिसके जिसको आप बुलाना चाहते हो ये उसके पास आपने कपड़ों पर लगाकर बस उसके पास चले जाना है, ठीक है। और जैसे ही वो खुशबू उसको महसूस होगी और खुशबू वो सूंघेगा तो वो मुसख्खर हो जाएगा। मुसख्खर मेरे होता है दीवाना हो जाना, ठीक है, वो मुसख्खर हो जाएगा। और जब तक आपके पास वो आ ना जाए और आपसे अपने दिल की बात कह ना दे, उसको सुकून नहीं आएगा। पढ़ते वक्त आपने जो तालिब है मतलूब का अपने जेन में तसव्वुर रखो, यानी कि पढ़ते वक्त अपने जेन में इस बात का जरूर रखो कि ये जो मैंने अमल किया है मैंने किस मकसद के लिए किया है, अल्लाह पाक इसको कबूल मंजूर अता फरमाए। शरीयत के खिलाफ अमल ना कीजिएगा, ये पहली ये जो है सबसे बड़ी कसम होती है कि शरीयत के खिलाफ आप अमल नहीं करेंगे, सबसे पहली और शरायत में सबसे बड़ी शर्त है। तो इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, नाजायज काम के लिए किसी भी अमल को इस्तेमाल ना करें ताकि आपको गुनाह या अल्लाह पाक की नाराजगी का सामना आपको ना करना पड़े। इजाजत दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले तमाम जो आसानी आपको ताकि मिल सके। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अपनी बहन के चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो को आसानी आपको मिल सके। आपको कोई भी मसला है, जादू जिन्नात असेब किसी भी किस्म का मसला है, घर में किसी भी किस्म की परेशानी है, रिश्तों की परेशानी, रिस्क की बंदिश, कारोबारी परेशानी, कारोबारी बंदिश, बाहर जाने का मसला, बाहर जाने की बंदिश, या किसी भी किस्म का घरेलू झगड़ा, परेशानी, इवन तलाक तक का मसला हो तो अपनी इस बहन को याद करें और चैनल पे आके हमारे या फेसबुक पे आके हमसे बात करें। मैं इंशाल्लाह आपकी अपने को मदद करूंगी। किसी भी किस्म का झगड़ा है, किसी भी किस्म की शादी का मसला है, बच्चों की शादी का, प्यार का, मोहब्बत का, किसी भी किस्म का, अपने प्यारों को पाने का, किसी भी किस्म का मसला है, अपनी इस बहन को याद करें, इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद की जाएगी। और अहदीस को फैलाएं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने का फर्ज निभाएं।